बस इसका स्पीड मीटर काम नहीं कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये गाड़ी चल रही है अभी। देखिए ये गाड़ी चल रही है और अभी इसका स्पीड मीटर हम लोग देखने वाले हैं काम क्यों नहीं कर रहा है। ओके, तो अभी हम इसका स्पीड मीटर खोलते हैं और चेक करते हैं इसकी वायरिंग वगैरह। तो गाइस हमने इसका वायरिंग अभी भी चेक किया है तो हमें वायरिंग का प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। इसका सेंसर से है क्योंकि वायरिंग हमने चेक किया, वायरिंग ओके बता रहा है। ये इसका सेंसर है, ये देख सकते हैं ये वाला, ये इसका सेंसर है। तो अभी हम इसको खोलने वाले हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस हमने ये वाला निकाला है अभी अभी, देख सकते हैं। एक मिनट इसका एक पिन टूटा है, ये देख सकते हैं आप, ये एक पिन इसका टूटा है। और अभी हमने जो इसके यहाँ पर लाया इसका, ये आप देख सकते हैं इसका तीन पिन वाला है, उसमें एक पिन टूट गया था तो ये खराब हो गया है, ये वाला खराब हो गया है। अभी हम इसको लगाने वाले हैं, उसके बाद चेक करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा मीटर सही हो गया है, आप देख सकते हैं ये हमारी ऑल्टो है, ये इसमें मीटर काम करने लगा है, देख सकते हैं। अभी ये जीरो पर था, अभी 20 के करीब टच कर रहा है। तो कोहरे का मौसम है इसलिए ज़्यादा तेज ना भागा है, अभी कोहरा का मौसम है इसी वजह से थोड़ा धीमे चल रही है गाड़ी।